दोस्तों आज हम बात करेंगे ओप्पो K3 के बारे में जो कल ही लॉन्च हुआ। शायद मेरे हिसाब से दोपहर 12 बजे को अमेजोन में सेल था। तो आज के वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ और आपको बोलने वाला हूँ इस फोन का पूरा फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, साथ पे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। तो और इस फोन आप खरीदना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उधर से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, इंट्रो के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट जो मतलब एक फोन का फर्स्ट जो देखने में आता है दोस्तों वो है डिस्प्ले। तो दोस्तों डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका मतलब यही ओप्पो K3 का जो डिस्प्ले है दोस्तों, इसके आपको जो स्क्रीन मिलता है वो 6.5 इंच का स्क्रीन है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन का बात करें तो दोस्तों इसके साथ आपको गोरिल्ला ग्लास का एक प्रोटेक्शन दे रखा है जो काफी अच्छा है। और मतलब स्क्रीन का बात करें तो दोस्तों इसके साथ आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलेगा। जी दोस्तों यही खास बात है जो ओप्पो K3 आपको प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों, वो है विदाउट नॉच वाला डिस्प्ले आपको प्रोवाइड कर दे रहा है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें तो दोस्तों वो है हार्डवेयर का। दोस्तों हार्डवेयर का जो है प्रोसेसर आपको जो मिलने वाला है दोस्तों वो है 2.2 GHz का प्रोसेसर, और जो ऑक्टा कोर का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इस फोन का जो प्रोसेसर तैयार कर रहे हैं वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 जो लेटेस्ट मॉडल है। अभी मेरे हिसाब से Redmi K20 में भी इस प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ रैम का बात करें तो दोस्तों इस फोन के साथ आपको मतलब दो वेरिएंट का रैम देखने को मिल जाएगा, वो है 6 GB और 8 GB। दोस्तों इंटरनल स्टोरेज का बात करें तो दोस्तों इसके साथ आपको टू टाइप का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, वो है 64 GB के साथ जो 6 GB रैम देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको 8 GB रैम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट का बात करें तो दोस्तों वो है कैमरे के बारे में। दोस्तों कैमरे का बात करें तो दोस्तों इसके साथ आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ रियर कैमरे का बात करें तो दोस्तों 16 MP के साथ जो 16 MP मतलब दो कैमरा रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। जो एक है दोस्तों वो है 16 MP जो एपर्चर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों वो है 1.7 मतलब f1.7 का एपर्चर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ और जो मतलब दो कैमरा है, एक तो 16 MP और एक है 2 MP। दोस्तों इसका जो एपर्चर है वो है f2.4 का एपर्चर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों फ्रंट कैमरा का बात करें तो दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों वो है मतलब पॉपअप कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वो है 16 MP का पॉपअप कैमरा जो मतलब जो पॉपअप कैमरा है उसका अपर्चर है 2.0 f2.0 का अपर्चर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अभी हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के, मतलब बाहर हम तो देख लिए फोन का दोस्तों। हाँ उसके साथ आप मतलब स्क्रीन के साथ आप पीछे भी आपको ग्लास का स्क्रीन मतलब ग्लास देखने को मिल जाएगा जो देखने में काफी अच्छा लगता है। दोस्तों अभी फोन का मतलब एक्सटर्नल देखना तो हो गया, दोस्तों इंटरनल देखते हैं मतलब अंदर देखते हैं क्या क्या देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सॉफ्टवेयर का बात करें तो दोस्तों इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों वो एंड्रॉइड 9 Pie में चलने वाला ये जो फोन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ मतलब ओप्पो जो प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों वो है कलर ओएस 6.0 आपको प्रोवाइड कर दे रहा है इस फोन के साथ जो ओप्पो K3 मॉडल है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें तो दोस्तों कनेक्टिविटी का दोस्तों वो है ब्लूटूथ जो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वो है वर्सन 5.0.0 का वर्सन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ USB जो आपको देखने को मिल जाएगा वो है दोस्तों टाइप सी वाला USB आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हेडफोन का बात करें तो दोस्तों इस फोन के साथ आपको 3.5 mm जैक वाला हेडफोन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सिम तो आपको पता है, जो अभी नॉर्मल सिम दे रहा है वो है 2 SIM। और साथ ही साथ दोस्तों बैटरी का बात करें तो दोस्तों इसके साथ आपको 3765 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा जो नॉन रिमूवेबल होता है। दोस्तों साथ ही साथ इसका जो बैटरी है दोस्तों वो है फोक चार्जिंग सपोर्ट करता है, और मतलब फोक नहीं उसको क्या बोलते हैं, फूक, वही यही जो जैसा बोलते हैं फोक चार्जिंग। दोस्तों नेक्स्ट जो बात करें तो दोस्तों इसका जो मतलब प्राइस और लॉन्च डेट, दोस्तों यस्टरडे 12 मतलब दोपहर 12 बजे इस फोन लॉन्च कर दिया है अमेजोन पे। और प्राइस का बात करें तो दोस्तों इस फोन का जो प्राइस है वो है 6 GB के साथ आपको 64 GB जो इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों उसका जो प्राइस है दोस्तों 16,990
यानी कि 17,000 में, मतलब 10 रुपया कम, 17,000 में आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन का जो 6 GB वेरियंट है। दोस्तों 8 GB जो वेरियंट है वो है 128 GB के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 128 GB इंटरनल स्टोरेज और 8 GB रैम। जी दोस्तों, इसका जो प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों वो है 19,990, यानी कि 10 रुपया कम, 20,000। दोस्तों ये है मतलब फोन का पूरा स्पेसिफिकेशन और प्राइस। दोस्तों साथ ही साथ ओप्पो इंडिया ने एक चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि कस्टमर के लिए कुछ अच्छा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, वो है आप लोग अमेजोन पे से आप ऑर्डर करेंगे तो मतलब आपका जो बैलेंस है वो प्रोवाइड करेंगे, तो आपको 1,000 का मतलब डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और एक मतलब चीज भी ओप्पो इंडिया ने प्रोवाइड करा है दोस्तों, वो है आप लोग एक्सिस बैंक से आपका बैलेंस प्रोवाइड करेंगे तो इस फोन का वो आपको फिर से 1,000 आपको कैशबैक दे सकता है। जी दोस्तों, ऐसा ही कुछ ओप्पो इंडिया ने कस्टमर के लिए कुछ अच्छा चीज रखा इस फोन को मतलब खरीदने के लिए दोस्तों। और एक चीज ओप्पो इंडिया ने प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों, वो है आप लोग इस फोन को रिलायंस जियो स्टोर से खरीदेंगे तो आपको 7,000 का एक वाउचर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ ओप्पो इंडिया ने कस्टमर के लिए बहुत अच्छा अच्छा चीज प्रोवाइड किया। तो दोस्तों आप ये वाला फोन खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उधर से ये वाला फोन खरीद सकते हैं। वैसे तो फोन अच्छा है, पर देखते हैं कस्टमर यूज करके क्या रिस्पॉन्स देता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, और दोस्तों साथ ही साथ एक लाइक भी ठोक दीजिएगा, और चैनल पर नया दोस्त करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो पे, इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।